मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं और उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी लगे हुए। वो वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और उससे बचते बचते एक केस में चले जाते। रात को अपना सामान देख रहे होते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लड़के का नाम विलियम होता है। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा। ये एक ऐसी चीज है जो हवा को आग में बदल देती। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है और इनमें से इन आदमियों को मार, किसी को भी नजर नहीं आता। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है, तो अपनी तलवार से किसी का हाथ काट दे और वो आदमी जिसका हाथ कटा था वो खुद खाई में गिर जाता। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाले ताकि वो लोगों से पूछ सके ये किसका हाथ है। अब हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी गार से बाहर आ गए। यहाँ से सोल्जर्स फिर से उनके पीछे लग, वो अपने घोड़े थोड़े तेज भगाने लगे और चलते चलते वो दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंचे। वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ चाइना की आर्मी खड़ी होती। वो उनको रोक लेते तो वो कुछ नहीं कर पाते तो सरेंडर कर देते और अब इन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर इन दोनों को ले जाया जाता है चाइना के जनरल के। वो विलियम के पास जब हाथ देखता है तो वो हैरान हो और पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिला। तो विलियम बताता है कि इस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश, तो मैंने इसका हाथ काट। कोई उनकी बात पर यकीन नहीं। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम लिंडा, और वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी। और जनरल उन्हें सजा सुनाने ही वाला होता है कि एकदम एक आदमी कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। उनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा। तभी वहाँ पर एक सोल्जर भागा भागा आता है और वो जनरल को बताता है कि इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता। तो विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वो कौन था। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि उनकी आर्मी हमारे मुकाबले में काफी पावरफुल, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी उन पर अटैक करने लगती है और अब ये लोग भी पूरी जान के साथ उनका मुकाबला करते हैं। उन्होंने अपनी आर्मी मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड की हुई थी। कुछ तीर फेंक रहे थे, कुछ नेजे चला रहे थे और कुछ उनको रोक रहे थे। वहां विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आया। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर फीमेल को देख, उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी थे जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लगता। फिर वो आने लगता है विलियम और उसके दोस्त। तभी वो आदमी आता है जिससे ये लोग मदद मांगने का सोच रहे थे। वो आकर इनके हाथ खोल देता है और ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। जनरल इस बात से काफी खुश होता है और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसके दोस्त नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास, वो उनका वेलकम काफी अच्छे तरीके से करता है। वहां पहुंचते ही जनरल उसके लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तो वो उन्हें ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज था, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिंग आपस में बातचीत कर रहे हो। फिर रात होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि ये सब जब मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ये प्लान बना। वहाँ पर आर्मी का लीडर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आए, जो कि एक मैग्नेट था, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसकी हेल्प से उसकी आर्मी जीत सकती है।
विलियम उससे पूछता है कि आखिर मॉन्स्टर्स कहाँ से आए, तो वो उन्हें बताता है कि काफी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आ गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन हो गया, तो उसी में से ये मॉन्स्टर्स निकले। और अब हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करते हैं। और इनकी एक रानी भी है जो इनसे अपने सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने आर्मी के एक आदमी को मार दिया है। वो कमांडर लिन और जनरल वहां पर जाते हैं वहां पर, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर है। वो लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। और इसी हालत में वो लिन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था। उसमें सब कुछ लिखा था कि कब कब इन मॉन्स्टर से लड़ाई हुई और कब कब इन मॉन्स्टर और इनकी जंग हुई। उसमें ये भी लिखा था एक ऐसा गेट है जहां मॉन्स्टर्स जाके बिल्कुल चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने विलियम के सब साथियों पर अटैक किया लेकिन विलियम पर नहीं किया। तो विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर्स को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उसे कहता है कि यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हमें जो काम करना था हमें जल्द से जल्द वो काम करना चाहिए और यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए। लेकिन अभी विलियम वहाँ से भाग नहीं सकता था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी फोग होने की वजह से उन्हें कोई मॉन्स्टर नज़र नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विलियम हमेशा अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उनको नेजे मार मार कर जख्मी कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स काफ़ी चालाक थे, वो नेजे निकाल कर अपने दोस्तों को बचाते रहते थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास दूसरा मॉन्स्टर नहीं है जो उसको बचा सके। वो फौरन से उसके पास जाता है ताकि वो उसे पकड़ ले, और फाइनली विलियम उसको पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ। और जब वो लोग ये देखते हैं कि उस मैग्नेट यानी पत्थर से मॉन्स्टर वाकई डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनके पास वो कागज लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो मॉन्स्टर और मैग्नेट को अपने साथ ले जाता है। राजा बहुत ही खुश होता है। एक रात आर्मी और कमांडर लिन कुछ अजीब सा फील करते हैं और जब वो जाकर दीवार के पास देखते हैं तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का वो दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराकर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी ये खबर विलियम तक पहुंच जाती है, वो उन्हें रोकने के लिए वहां पर आता है, तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब रास्ते में वो आदमी और विलियम का वो दोस्त जा रहे होते हैं, तो आदमी उसे कहता है यार थोड़ा आगे से जाकर देख के आओ कि आगे से रास्ता कैसा है। और जैसे ही विलियम का दोस्त रास्ता देखने जाता है तो वो आदमी उसे चीट करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया था, वो मैग्नेट थोड़ा दूर हटा कर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर करता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और रानी वहाँ पर चली जाती है। अब कमांडर लिन और बाकी सब लोग पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी कि इनकी रानी को मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी उन पर अटैक कर रहा होता है। तो विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे। अब ये सब करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंककर रानी को मार सके, लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर उसको
कवर कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। रानी ने विलियम को देख लिया था, तो वो मॉन्स्टर्स को कहती है पर अटैक कर दो। वो लिन की मदद टावर से कूद जाता है, वो उस पर वो तीर फेंकने लगता है और साथ ही लिन भी एक नेजा उसमें दे मारती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लिन और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। फिर हमें यह भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को पकड़ लिया था। अब विलियम अपने दोस्त को आजाद कराता है और वहाँ से अच्छे तरीके से ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके साथ ही मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।